हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं जनरल साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है, कार का वेग शून्य है, कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का त्वरण शून्य है, और ऑप्शन नंबर डी, कार का त्वरण लगातार बदल रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा है एक समान त्वरण से कार चल रही है, तो जब एक समान त्वरण से कार चल रही है तो उसका अर्थ हो जाएगा कि कार का वेग लगातार बदल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार का वेग लगातार बदल रहा है। चलिए अगला प्रश्न, किस गैस को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है? किस गैस को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जीनोन गैस जो है, जीनोन गैस को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों में से एक समूह, टोटल 18 समूह हैं, 18 समूह में से 18वां समूह को नोबल गैस समूह के नाम से जाना जाता है, जिनमें 7 तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और 118वां तत्व ऑग्नेसो, जिसे पहले अनन ऑप्टियम के नाम से भी जाना जाता था। तो इनमें से ये हो जाएगा आपका, ये जो जेनॉन हो जाएगा आंसर। जेनॉन गैस को अज्ञात स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए निम्न में से ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जूल, बी वाट सेकेंड, सी किलोवाट पर आवर, ऑप्शन नंबर डी किलोवाट आवर। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई का अर्थ है जिसको व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो व्यापक तौर पर हम लोग जैसे कि घरों में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और हम लोग जानते हैं उसे यूनिट के नाम से, जैसे कि बिजली, हम लोग बिजली बचत अभियान चलाते हैं ना कभी कभी, जैसे कि बोलते हैं कि ये आज 300 यूनिट बिजली, आपका एक महीना में 300 यूनिट बिजली खर्च करना है, 200 यूनिट खर्च करना है, ऐसे समथिंग। तो वो जो एक यूनिट है, एक यूनिट बराबर होता है एक किलोवाट आवर। तो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगी? एक किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट घंटा जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रोटॉन में डेस धनात्मक आवेश होता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि धनात्मक आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जाता, यानी कि जीरो आवेश पाया जाता है। तो प्रोटॉन में कितना धनात्मक आवेश होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए ऑप्शन को कैसे छाटा जाए। आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। दो ऑप्शन ऐसे ही हट गए। अब ये जो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी कि प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? ऑप्शन नंबर डी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर यही आपको पूछा जाता इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, तो उसका आंसर हो जाता −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चलिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में होती है, देखिए एक होता है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया और दूसरा होता है रिडक्शन, यानी कि अवकरण प्रतिक्रिया। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में होती है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का हटना। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया तभी होती है जब वहाँ पर ऑक्सीजन एड हो या फिर हाइड्रोजन बाहर निकले,
ऑक्सीजन ऐड होगी तब भी हम लोग उसको ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तब भी हम लोग उसे ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। तो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है यानी कि उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि अवकरण प्रतिक्रिया में क्या होती है, तो अवकरण प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इसमें हम कह सकते थे अवकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। चलिए अगला, वह पहला तत्व जिसकी खोज हैनिंग बॉन्ड द्वारा की गई थी। देखिए पहले कुछ प्राकृतिक तत्व मिले थे, तो उन प्राकृतिक तत्वों में से सबसे पहले एक तत्व जो है उसकी खोज की गई थी, उसका नाम था फास्फोरस। फास्फोरस की खोज हैनिंग बॉन्ड द्वारा सबसे पहले की गई थी। अब आपका मन में सवाल आ रहा होगा, ये हैनिंग बॉन्ड कौन है, ये कौन है? तो हैनिंग बॉन्ड ये एक व्यापारी हुआ करते थे जिन्होंने 1669 में फास्फोरस की खोज की थी। अब फास्फोरस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? तो फास्फोरस का उपयोग जो है, जैसे आपका माचिस में भी रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार अलग अलग जगहों में किया जाता है फास्फोरस का। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए जेम्स मैकिन कैटले, ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी विलहेम बुंदत, ऑप्शन डी गुस्तो फाकनर। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलहेम बुंदत को, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विलहेम बुंदत। चलिए अगला, हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को नेब्यूला कहा जाता है, नेब्यूला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेब्यूला। अगला प्रश्न, ऑनेरोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो सपनों के अध्ययन को ऑनेरोलॉजी कहा जाता है, सपनों के अध्ययन ऑनेरोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन अनिर्थोलॉजी, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, और कुछ कुछ अध्ययन, तो अध्ययन के विषय में एक दिन हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे अध्ययन का। चलिए अगला, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं? तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके मन में सबसे पहले एक ऑप्शन खोज रही होगी दिमाग, उसको कहते हैं विटामिन के, लेकिन यहाँ पर विटामिन के तो है ही नहीं, अब क्या किया जाए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है, विटामिन B12 यानी कि साइनोकवालामिन, साइनोकवालामिन ये विटामिन जो है रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करती है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी आपको विटामिन के ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तो अगर विटामिन के ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको ज़रूर से विटामिन B12 ऑप्शन में रहेगा जो कि सही आंसर है। चलिए, दाब बढ़ने पर ध्वनि की गति, देखिए फ्रेंड्स दाब और ध्वनि, दाब का ध्वनि से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि दाब को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ेगा, तो दाब बढ़ने पर ध्वनि की गति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहती है। हाँ, परंतु अगर यहाँ पर कहा जाता कि ताप को बढ़ाने पर ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन आता, तो हम लोग कह सकते थे कि ताप को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ती है और ताप को घटाने पर ध्वनि की गति घटती है। चलिए, यानी कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की गति घटती है और ताप बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर ध्वनि की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग, जैसे दाब और ध्वनि का रिलेशन नहीं है वैसे ताप और प्रकाश का रिलेशन नहीं है, तो ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा,
अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, अगर दाब के बारे में कहा जाए कि दाब बढ़ाने पर प्रकाश का वेग में क्या परिवर्तन होगा, तो दाब को बढ़ाने पर प्रकाश का वेग घटती है और दाब को घटाने पर प्रकाश का वेग बढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन था ताप के बारे में, तो ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? देखिए फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य यानी कि जिसको हम लोग लैम्ब्डा से सूचित करते हैं, तरंग दैर्ध्य का लैम्ब्डा से सूचित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रम। चलिए, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होगा? तरंग दैर्ध्य सबसे कम उसी का होगा जिसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा नॉर्मल से। तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तरंग दैर्ध्य उसका सबसे कम होगा जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो निम्न में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? गामा तरंग का। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा तरंग। अगला प्रश्न है, कार्य होता है यदि डेस है। तो हम लोग जानते हैं कार्य क्या चीज़ है। कार्य कुछ नहीं है, वो भी क्या है, एक ऊर्जा ही तो है, या फिर कह सकते हैं ऊर्जा क्या है, सेम चीज़ है कार्य। तो कार्य क्या है? ऊर्जा ही, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में डेस का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निकेल का। निकेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, डेस एक बीजपत्री पौधा है। तो हम लोग जानते हैं प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो फाइलम बांटे हुए हैं उसमें आपका आ जाएगा जो अंतिम फाइलम है जिसको हम लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो भागों में बटा होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिसके बीजपत्र एक ही होते हैं, और द्विबीजपत्री जिसके बीजपत्र दो भागों में बटे होते हैं। तो निम्न में से लहसुन एक ऐसा पौधा है जो एक बीजपत्री के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा और क्या क्या पौधे हो सकते हैं? इसके अलावा चावल, ये भी आपका एक बीजपत्री के अंतर्गत आ सकता है। अब आप बोलिएगा द्विबीजपत्री के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो जैसे नॉर्मली आप लोग दाल खाते हैं, दाल, तो वो भी आपका द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होती है। तो किसी भी गर्म भट्टी से जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो विकिरण अवरक्त तरंगे होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त तरंगे। चलिए अगला प्रश्न, लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है। तो आप लोग सोचते रहिए, तब तक मैं कुछ दूसरा कुछ बता देता हूँ। जैसे कि लिटमस पत्र एक थेलोफाइटा समूह होता है, थेलोफाइटा समूह में एक पौधा है जिसको हम लोग लीचेन के नाम से जानते हैं, लीचेन। थेलोफाइटा समूह में एक पौधा है जिसको हम लोग लीचेन के नाम से जानते हैं, और उस लीचेन पौधा से लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो थेलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से ये आपका लिटमस पत्र प्राप्त होता है। चलिए, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो ओरिजिनल लिटमस पत्र होता है इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है बैगनी, यानी कि वायलेट। अब आप बोलिएगा लिटमस पत्र ये तो लाल को हरा कर रहा है, हरा को लाल कर रहा है, तो उसका भी एक हम लोग नॉर्मली ये कर सकते हैं। जैसे कि अम्ल में अगर लिटमस पत्र को हम लोग रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मतलब अम्ल में लिटमस पत्र को डालने पर वो क्या करेगा, वो आपका नॉर्मली
नीला को लाल कर देगा, नीला लिटमस को लाल कर देगा अम्ल, और क्षार क्या करता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। चलिए अगला प्रश्न, जी का मान मंगल ग्रह पर, तो जी जो है, जी जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं जी। इसकी खोज किसने की थी, जी की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने की थी जी की खोज, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए अब जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10^-11। चलिए जी का मान होता है 6.67 इंटू 10^-11 और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10^-11 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। अब आप बोलिएगा जी, तो जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है, इसका मान हमेशा हर जगह समान रहेगा। तो जी का मान मंगल ग्रह पर क्या हो जाएगा, वही होगा जो अन्य में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति के समान होगा। चलिए और ये ऑप्शन जो 9.8 है, 9.8 क्या होता है, पृथ्वी पर छोटा जी का मान, तो छोटा जी जो है वो आपका गुरुत्वजनित त्वरण है, यानी कि ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका मान, छोटा जी का मान हर जगह बदलते रहता है, परंतु बड़ा जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कहीं भी कभी भी नहीं बदलता है। तो 19 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, हमारी आंखें किस प्रकाश के लिए संवेदनशील है, यानी कि हम किस प्रकाश को बिना स्ट्रेस के देख सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हरा, तो हरी प्रकाश के लिए हमारी आंखें संवेदनशील होती है। चलिए अब आप बोलिएगा कि हरा रंग क्यों दिखाई देता है, सूर्य से हमें बहुत सारे रंग प्राप्त होते हैं ना, जिसको हम लोग विवजीयोर बोलेंगे, दृश्य किरण जिसको बोल सकते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली दृश्य विकिरण को, विवजीयोर। तो विवजीयोर में से हम लोग कोई वस्तु हमें लाल, कोई वस्तु सफ़ेद, कोई वस्तु काला, हरा, अलग अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं। तो अलग अलग रंग दिखाई देने के पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे कि कोई लाल चीज़ है, कोई लाल वस्तु है जिस जो हम लोग को लाल दिखाई पड़ती है, तो वो लाल दिखाई पड़ने के पीछे का कारण है कि उस वस्तु में क्या हुआ होगा कि जो सभी प्रकाश की किरणें हैं वो अवशोषित कर लिए होंगी, सिवाय लाल के, लाल प्रकाश को वो अवशोषित ना कर परावर्तित कर दिया होगा, जिसके कारण वो वस्तु हमें लाल दिखाई देती है। एज इट इज कोई वस्तु काली दिखाई देने के पीछे का लॉजिक, काला दिखाई देने के पीछे का लॉजिक है कि वो सभी प्रकाश को अवशोषित कर लिया होगा, और सफ़ेद दिखाई देने के पीछे का लॉजिक है कि वो सभी प्रकाश को वापस भेज दिया होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी कलर्स को अगर मिला दें तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होती है, सफ़ेद कलर प्राप्त होती है। चलिए अगला, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होती है, देखिए पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होती है, तो हम लोग जानते हैं कि पौधों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक होते हैं विभिज्योतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। विभिज्योतक ऊतक में आपके आ जाएंगे शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वृष्ट, और जबकि स्थायी ऊतक फिर से दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आपके आ जाएंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आ जाएंगे जाइलम और फ्लोएम। तो इनमें से पौधों में लचीलापन का गुण जो है ये कोलेन्काइमा ऊतक के कारण प्राप्त होता है। कभी कभी आपका प्रश्न पूछता है कि नारियल का रेशा किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, तो नारियल का रेशा हो जाएगा ये आपका स्क्लेरेन्काइमा प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। अब आप बोलिएगा ये फ्लोएम क्या काम करता है, जाइलम क्या काम करता है, तो जाइलम जो है
जो धरती से यानी कि नीचे से जल को ढोने का काम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसको रिलेट कीजिएगा जाइलम जल से। जाइलम क्या करता है, जल को ढो के ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो उसमें जब पत्तियों में खाना बन चुकी होंगी तो उस खाने को पहुंचाने का काम कर, यानी कि भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। चलिए अगला, मानव कान में ध्वनि कितनी देर तक बनी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, मानव कान में ध्वनि जो है 1/10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अगर यही बात प्रकाश के ये से कहा जाए कि मानव आँख में कोई वस्तु का प्रतिबिंब कितनी देर तक रहती है, तो वो रहता है 1/16 सेकेंड तक, और मानव कान में ध्वनि 1/10 सेकेंड तक रहती है। चलिए अगला प्रश्न, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किन्हें समर्पित किया था। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी अपनी माता को समर्पित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण क्या है। देखिए तो क्रांतिक कोण वो कोण है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर कुछ एंगल बनाकर वो आपका कुछ एंगल बनाकर मुड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हटती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो जब वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, तो वह कोण जब वो दूर हटते हटते जब उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण कहा जाएगा। तो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण एक आपतन कोण है जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। चलिए अगला प्रश्न, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि किसी का भी कलर सफ़ेद दिखाई देने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि वो क्या करता है, सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो सेम चीज़ है, बादलों का रंग सफ़ेद दिखने के पीछे क्या है कि वो सभी कलर को क्या कर रहा है, सभी कलर को परावर्तन कर दे रहा, सभी कलर को परावर्तन कर दे रहा, सभी कलर का परावर्तन कर दे रहा है तो वो क्या दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। चलिए अगला प्रश्न, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तेज तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, सर्किट को पूरा करके तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। चलो अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो ये जो डीएनए है ना, डीएनए इस पर बहुत प्रश्न आते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी, आपका ये प्रश्न भी पूछता है कभी कभी परीक्षा में। तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, इन दोनों ने डीएनए की खोज की। लेकिन कभी कभी घुमा के आपको प्रश्न पूछता है कि डीएनए को अलग किसने किया था, तो डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए को अलग किया था। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक द्वारा की गई थी, और डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, मुंह का पीएच मान 10 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है डेली सुबह को उठ के ब्रश किया जाए। ब्रश क्यों करने बोला जाता है, ताकि मुंह का पीएच मान बना रहे। चलिए तो मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। चलिए मुंह का पीएच मान 5.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता कि वर्षा का पीएच मान, ये जो हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं, तो उसमें वर्षा का पीएच मान कितना से डिक्रीज होता है, तो बारिश का पीएच मान जब 5.6
5.6। बारिश का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब उस वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है? चलिए सोच के बताइए। तो ऑप्शन सी, चलिए एच इज इक्वल टू आई आर टी, ये है गलत समीकरण। हम लोग जानते हैं कि एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच इज इक्वल टू वी आई टी होता है, यानी कि जिसको हम लोग दूसरे माध्यम में पी इंटू टी भी लिख सकते हैं या फिर आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं, परंतु एच इज इक्वल टू आई आर टी ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन गलत है। तो गलत इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी। अगला लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? हम लोग क्या जानते हैं, आर यानी कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हट जाता है तो उसके जगह में एक नियतांक आ जाता है जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं, रो इंटू एल बाय ए। चलिए ये हो गया, यानी कि आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो ये जो रेजिस्टेंस है किस पर निर्भर कर रहा है, रो पर कर रहा है, एल पर कर रहा है, ए पर कर रहा है। ए क्या है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल क्या है चालक की लंबाई, और रो ये आपका उसी प्रकृति के अंतर्गत आ जाएगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ का घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अब जल्द ही अगला वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें कुछ आपको दूसरा कुछ भी मिलेंगे, और हो सके तो आपको मैथ्स के क्लास जल्दी ही देखने मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय। चलिए।